नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत नौप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पवन काल लोक विश्रामा। आप सभी को गोरखपुर न्यूज परिवार की तरफ से राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। चार दशक बाद सत्ताधारी दल को मिलेगा विधान परिषद में प्रचंड बहुमत। विधान परिषद चुनाव के लिए बतौर गोरखपुर नगर विधायक सीएम योगी ने मतदान करने के बाद कहा, विधान परिषद में विकास व लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को अवरुद्ध करती थी सपा। विधान परिषद की 36 में से 9 सीटों पर बीजेपी निर्विरोध से, 27 में से भी अधिकांश सीटों पर हासिल होगी जीत। विधान परिषद में भी प्रचंड बहुमत लोक कल्याण, महिलाओं, गरीबों, किसानों व श्रमिकों के हित में और बेहतर कार्य करने में सक्षम होगी सरकार। गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव ड्यूटी में लगी पोलिंग पार्टियां मतदान करने के बाद बैलेट बॉक्स को स्ट्रांग रूम में किया जमा। एआरओ ने कहा, स्थानीय प्राधिकरण का चुनाव सकुशल हुआ संपन्न, 98.9% हुआ मतदान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव के लिए नगर निगम में बनाए गए बूथ पर पहुंचकर किया मतदान। कहा, प्रदेश में सभी सीटों पर जीत रही है भाजपा, 9 सीटों के प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध जीत चुके हैं चुनाव। भारत सेवा श्रम संघ के वासंतिक नवरात्र पूजा कार्यक्रम में सम्मिलित हुए सीएम योगी। कहा, हिंदू धर्म की सेवा पथ पर अग्रसर है भारत सेवा श्रम संघ। गोरखनाथ मंदिर से भारत सेवा श्रम का जुड़ाव है बहुत पुराना। गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव के प्रत्याशी सीपी चंद ने कहा, गोरखपुर सहित सभी सीटों पर चुनाव जीत रही है भाजपा। वहीं सपा प्रत्याशी रजनीश यादव ने भी किया दावा। कहा, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नीतियों से प्रभावित होकर सभी मतदाता सपा के पक्ष में कर रहे हैं मतदान। दोनों प्रत्याशियों ने अपने अपने जीत का किया दावा। गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के लिए बनाए गए बूथों पर कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ मतदान। एसएसपी ने कहा, भ्रमणशील रहकर सभी बूथों का लिया गया है जायजा, शांतिपूर्वक संपन्न होगा मतदान। खेतों में स्टीपर मशीन से भूसा बनाने पर लगे प्रतिबंध को जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने तत्काल प्रभाव से हटाया। किसानों से किया अपील। कहा, खेतों में भूसा बनाते समय स्टीपर मशीन का प्रयोग करते हुए बरते सावधानी ताकि आग लगने से ना हो सके जान माल का नुकसान। गोरखनाथ मंदिर में वासंतिक नवरात्र के अष्टमी में मां महागौरी की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया आराधना, पूजा और हवन कर की लोक मंगल की कामना। रविवार को सुबह 11 बजे देवी स्वरूपा कन्याओं का पाव पखार कर करेंगे उनका पूजन और कराएंगे उन्हें भोजन। जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह ने गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण चुनाव के लिए नगर निगम बूथ पर किया मतदान। कहा, प्रदेश सरकार कर रही है अच्छा कार्य, प्रभावित होकर सभी मतदाता भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में कर रहे हैं मतदान। सभी सीटों पर चुनाव जीतेगी भाजपा। गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव के लिए ग्रामीण विधायक विपिन सिंह सहित नगर निगम की महिला पार्षदों ने निगम के सदन हॉल में बनाए गए बूथ पर पहुंचकर किया मतदान। कहा, सभी मतदाता सीएम योगी के नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में कर रहे हैं मतदान। प्रदेश के सभी सीटों पर चुनाव जीतेगी भाजपा। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने एमएलसी चुनाव में किया मतदान। कहा, प्रदेश में सभी सीटों पर जीत रही है भाजपा। मुख्यमंत्री योगी व प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों से सभी मतदाता हैं प्रभावित, कर रहे हैं भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान। सदर सांसद रवि किशन व राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद ने गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव के लिए नगर निगम के सदन हॉल में बनाए गए बूथ पर पहुंचकर किया मतदान। कहा, प्रदेश के सभी 27 सीटों पर चुनाव जीत रही है भाजपा, 9 प्रत्याशी पहले ही चुने गए हैं निर्विरोध।
सीताराम जायसवाल सहित नगर निगम के पार्षदों ने गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव के लिए किया मतदान। कहा भाजपा प्रत्याशी भारी मतों से जीतेंगे चुनाव। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि विधान परिषद के चुनाव में गोरखपुर क्षेत्र की सभी पांचों सीटें जीत रही है भाजपा। प्रदेश में 9 सीट पर पहले ही निर्विरोध हो चुका है जीत। 27 सीटों के लिए हुआ है मतदान। और मिशन शक्ति अभियान के तहत राजघाट थाने पहुंचे आर्मी पब्लिक स्कूल की छात्राएं। छात्राओं को थाने में घुमाकर बताया गया महिला अपराधों में किस तरह कार्रवाई करती है पुलिस। एसएसपी ने वुमेन हेल्पलाइन नंबर व डायल 112 के बारे में दी जानकारी। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 4 दशक बाद उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सत्ताधारी दल को प्रचंड बहुमत मिलेगा। स्थानीय निकाय प्राधिकारी क्षेत्रों से विधान परिषद की 36 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में 9 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। शेष 27 सीटों में भी अधिकांश पर भाजपा की ही जीत होगी। विधानसभा के साथ विधान परिषद में भी प्रचंड बहुमत होने से सरकार लोक कल्याण के कार्यक्रमों, महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन, युवाओं के रोजगार, अन्नदाता किसानों व श्रमिकों के हित में और भी बेहतर काम करने में सक्षम होगी। शनिवार सुबह गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय निकाय प्राधिकारी क्षेत्र से विधान परिषद सदस्य के चुनाव में बतौर गोरखपुर नगर विधायक मतदान करने के बाद मुख्यमंत्री मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2017 की भांति 2022 में भी भाजपा ने 2/3 से अधिक सीटों पर जीत हासिल कर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई है। 4 दशक बाद ऐसी स्थिति आएगी जब सत्ताधारी दल विधान परिषद में भी प्रचंड बहुमत हासिल करेगा। इस चुनाव में जो भी मतदाता हैं, उनसे अपील है कि लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए भाजपा प्रत्याशियों को अपना वोट दें। सीएम योगी ने कहा कि 2017 में विधान परिषद में कठिनाई का सामना करना पड़ता था। नकारात्मक भूमिका से समाजवादी पार्टी विकास व लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को अवरुद्ध करती थी, लेकिन इस चुनाव के बाद हमें विधान परिषद में भी प्रचंड बहुमत हासिल हो जाएगा और लोक कल्याणकारी कार्यक्रम व विकास के कार्य द्रुत गति से आगे बढ़ेंगे। एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी, लेकिन गरीबों के आसियाने नहीं उजाड़े जाएंगे। पहले पेशेवर माफिया व अपराधी सत्ता का संरक्षण प्राप्त कर सरकारी, सार्वजनिक, गरीबों व व्यापारियों की जमीन पर कब्जा करते थे। इसके खिलाफ एंटी भू माफिया टास्क फोर्स का गठन किया गया। अब तक पेशेवर माफियाओं से 2500 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी गरीब की झोपड़ी तब तक नहीं हटाएंगे जब तक उसे आवास न उपलब्ध करा दिया जाए। यदि भूमि आरक्षित श्रेणी की नहीं है तो गरीब को वही पट्टा दिया जाए। यदि आरक्षित श्रेणी की है तो उसे अन्यत्र आवास उपलब्ध कराया जाए। ऐसे ही स्ट्रीट वेंडर के सुव्यवस्थित पुनर्वास व स्वनिधि योजना का लाभ दिलाने के निर्देश दिए गए हैं। एंटी भू माफिया की कार्रवाई पेशेवर माफिया के लिए है, गरीबों के प्रति नहीं। गरीबों के प्रति संवेदना होनी चाहिए। सीएम ऑफिस का ट्विटर हैंडल हैक होने के सवाल पर सीएम ने कहा कि एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं। पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं राज्यसभा सदस्य शिव प्रताप शुक्ला, गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ला, महापौर सीताराम जायसवाल, गोरखपुर ग्रामीण के विधायक विपिन सिंह के साथ नगर निगम में बनाए गए बूथ पर मतदान करने के बाद सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को वासंतिक नवरात्र, महाअष्टमी व रामनवमी की बधाई दी व शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि कल रामनवमी की तिथि पर प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव मनाने के लिए अयोध्या में विशेष समारोह होंगे। शासन ने संतों के मार्गदर्शन में श्रद्धालुओं की सुरक्षा व सुविधा के विशेष निर्देश दिए हैं। पिंटू जगह ज्यादा दे रहे हैं क्या? और पीछे आइए।
मित्रों, बासंती नवरात्रि की आज अष्टमी तिथि है। मैं पूरे प्रदेशवासियों को महाअष्टमी की हृदय से बधाई देता हूं। नवरात्रि के पावन पर्व पर पूरे प्रदेश में जगत जननी माँ भगवती दुर्गा की पूजा और अनुष्ठान के कार्यक्रम पूरी श्रद्धा, विश्वास और उत्साह और उमंग के माहौल में श्रद्धालुजनों ने हर जगह आयोजित किए हैं और ये निरंतर कल तक चलेगा। राज्य सरकार ने इसके लिए पूरी पुख्ता व्यवस्था की है। कल रामनवमी की भी पावन तिथि है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन जन्मोत्सव का पावन तिथि, अयोध्या धाम में विशेष समारोह होंगे। जगह जगह नवमी की तिथि पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन जन्मोत्सव के कार्यक्रम आयोजित होंगे। शासन ने स्थानीय स्तर पर प्रशासन को श्रद्धालुजनों की सुविधा और सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था के पहले से निर्देश दिए हैं और उस पर प्रशासन पूरी तत्परता के साथ पूज्य संतों के मार्गदर्शन में श्रद्धालुजनों की भावनाओं का सम्मान करते हुए अपनी सुविधा उपलब्ध करवा रही है। महाअष्टमी की स्थिति में आज पूरे प्रदेश में विधान परिषद की स्थानीय प्राधिकारी की सीटों पर चुनाव भी आयोजित किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान ही इसकी तिथि भी घोषित कर दी थी और आज जो 36 सीटों पर चुनाव की अधिसूचना जारी हुई थी, इनमें से 9 पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध चुने गए हैं। 27 सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं। गोरखपुर महाराजगंज सीट पर भी आज चुनाव यहां पर आयोजित हो रहा है, तो एक मतदाता के नाते मैं भी अपना मतदान यहां पर करने के लिए यहां पर विशेष रूप से आया हूं। मेरे साथ में पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री शिवप्रताप शुक्ला जी, यहां के लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन जी, महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, विधायक ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी और अन्य जनप्रतिनिधि भी अभी मतदान किए हैं। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में 2/3 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त किया है और प्रचंड बहुमत की अपनी सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग बनाने में सफल हुए हैं। विधान परिषद में पहली बार मुझे लगता है कि लगभग 4 दशक के बाद ऐसी स्थिति आएगी जब सत्ताधारी दल
प्रचंड बहुमत के साथ विधान परिषद में अपना बहुमत बनाने में सफल होगा और मेरे प्रदेश के स्थानीय प्राधिकारी विधान परिषद चुनाव के लिए जो भी मतदाता हैं, क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत के सदस्य, पार्षद, चेयरमैन, मेयर, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत के अध्यक्ष, माननीय विधायक, माननीय सांसद, मेरी उन सब से अपील है कि प्रदेश के अंदर लोक कल्याणकारी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि दोनों सदनों में एक पार्टी की पूर्ण बहुमत प्राप्त हो। विधानसभा में 2017 में भी प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर प्रदेश की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया था। 2022 में भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार फिर से प्रदेश में बन चुकी है। 2017 में जब हम लोग आए थे विधानसभा में, हमारा प्रचंड बहुमत था, लेकिन विधान परिषद में तमाम कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ता था और अपनी नकारात्मक भूमिका के कारण समाजवादी पार्टी प्रदेश के विकास को अवरुद्ध करने का हर संभव प्रयास करती थी। लेकिन अब स्थानीय प्राधिकारी विधान परिषद के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत के साथ जीतना तय है और प्रचंड बहुमत के साथ 36 में से अधिकतर सीटें जब भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो स्वाभाविक रूप से प्रदेश के विकास को, लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को, महिलाओं के कल्याण से जुड़ी हुई और उनके स्वावलंबन और सुरक्षा से जुड़ी हुई योजनाओं को, नौजवानों के रोजगार से जुड़े हुए कार्यक्रमों को, अन्नदाता किसानों के हितों के लिए श्रमिकों के सम्मान और उनके स्वावलंबन के लिए सरकार और बेहतर तरीके से कार्य करने में सक्षम होगी। और मेरी सभी जनप्रतिनिधियों से अपील होगी कि प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए हम भारतीय जनता पार्टी को जो आशीर्वाद जनता जनार्दन ने विधानसभा में दिया है, विधान परिषद में भी वो समर्थन अवश्य भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों को, चुने गए जनप्रतिनिधियों का अवश्य प्राप्त होगा। मैं एक बार फिर से पूरे प्रदेशवासियों को वासंतिक नवरात्रि, महाअष्टमी की तिथि, महानवमी और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन जन्मदिवस रामनवमी की भी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जी, आपने कहा कि गरीबों का आशियाना ना उजाड़े अधिकारियों का आपने निर्देश दिया, क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, प्रदेश में माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य कर रही है। जनता जनार्दन का आशीर्वाद सरकार के सुरक्षा और कानून, बेहतर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जनता जनार्दन का, खासतौर पर आधी आबादी का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ। वे पेशेवर माफिया और अपराधी जो पहले सत्ता का संरक्षण प्राप्त करके प्रदेश में गरीबों का, व्यापारियों का, महिलाओं का, उनकी सुरक्षा पे सेंध लगाने का कार्य करते थे, या जिन्होंने सरकारी संपत्ति पर, सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा करके प्रदेश में अव्यवस्था पैदा करने का कार्य किया था, जिन्होंने उस समय की व्यवस्था के लीकेजेज का लाभ उठा करके उस समय भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया था,
तो पिछली सरकारों के कार्यकाल के दौरान जिन्होंने अनैतिक रूप से, अवैध रूप से शासकीय संपत्ति पर, सार्वजनिक संपत्ति पर, गरीबों की संपत्ति पर, व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा किया हुआ है, एंटी भू माफिया टास्क फोर्स वर्तमान में पूरे प्रदेश के अंदर उस अवैध कब्जे को कब्जे से मुक्त करने के एक बृहद कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। हम लोगों ने अब तक 2500 करोड़ रुपए की संपत्ति माफियाओं का, पेशेवर माफिया, इसमें पेशेवर अपराधी भी हैं, भू माफिया भी हैं, खनन माफिया भी हैं, वन माफिया भी हैं, पशु माफिया भी हैं, इन सभी माफियाओं से जुड़ी हुई उस संपत्ति को जब्त किया है और उस पर प्रभावी कार्रवाई चल रही है। लेकिन अपने आशियाना बनाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए अगर किसी गरीब ने सार्वजनिक संपत्ति पर कहीं पर कब्जा किया या उसने अपनी झोपड़ी डाली हुई है, तो उस झोपड़ी को तब तक प्रशासन नहीं हटाएगा जब तक कि हम उसके लिए व्यवस्थित कोई सुरक्षित आवास उपलब्ध न करा दें। और इसके लिए पहले से व्यवस्था की गई, उसको आप चिन्हित करिए। अगर वह किसी आरक्षित श्रेणी की कैटेगरी नहीं है तो फिर उस गरीब को वहाँ उजाड़ा नहीं जाएगा, उसको वहीं का पट्टा वहीं पर हम उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन आरक्षित श्रेणी की है तो उन स्थितियों में उन्हें सुरक्षित आवास उपलब्ध करवाने के बाद फिर व्यवस्था देंगे। ऐसे स्ट्रीट वेंडर को व्यवस्थित पुनर्वास करने की व्यवस्था और उन्हें सुरक्षित रूप से अपने रोजगार को उपलब्ध करवाने की संभावनाओं को आगे बढ़ा करके पीएम स्वनिधि का भी उपयोग करते हुए राज्य सरकार इस पर कार्य कर रही है। और इसलिए बहुत सख्त हिदायत दी गई है कि प्रदेश सरकार की जो एंटी भू माफिया टास्क फोर्स की कार्रवाई है, यह कार्रवाई पेशेवर माफिया और अपराधियों के लिए है, किसी गरीब निरीह कमजोर व्यक्ति के लिए नहीं है। और उसके प्रति एक संवेदना और सहानुभूति हमारी पूरी होनी चाहिए, इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे। एजेंसियां उस पर कार्य कर रही हैं, देख रही हैं। धन्यवाद जी। गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव ड्यूटी में लगे पोलिंग पार्टियों ने मतदान कराने के बाद कचहरी क्लब में बनाए गए मैदान में बैलेट बॉक्स को जमा किया, जिसके संबंध में गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण चुनाव के एआरओ राजेश कुमार सिंह ने बताया कि गोरखपुर जिले में कुल 98.9% मतदान हुआ है। उन्होंने कहा कि कैंपियरगंज ब्लॉक में 97.93%, भरोया ब्लॉक में 100%, जंगल कौड़िया ब्लॉक पर 100%, भटट ब्लॉक पर 97.47%, चरगावा ब्लॉक पर 100%, पिपराइज ब्लॉक पर 96.32%, नगर निगम में 97.24%, खोराबार ब्लॉक पर 97.39%, सरदारनगर ब्लॉक पर 97.96%, ब्रह्मपुर ब्लॉक पर 96.88%, पाली ब्लॉक पर 99.28%, सहजनवा ब्लॉक पर 98.73%, पिपरौली 97.47%, खजनी 98.98%, बेलघाट ब्लॉक पर 97.86%, उर्वा ब्लॉक पर 96.94%, बासगांव 99.38%, कोड़ेराम ब्लॉक पर 98.68%, गगहा ब्लॉक पर 97.04%, कोला ब्लॉक पर 98.69%, बढ़लगंज ब्लॉक पर 97.73% मतदान हुआ है। इस तरह कुल 21 ब्लॉक पर 98.9% मतदान हुआ है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण चुनाव के एआरओ राजेश कुमार सिंह ने कहा, नहीं डायरी कहाँ डायरी का सारे पेज 189 यहाँ पे है 189 कितना है ना हाँ 189 कितना है ना हाँ 189 कौन सी है करना वीडियो सर
नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह एआरओ गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकारी क्षेत्र का हूं। अभी हम लोग यहां जहां पोलिंग पार्टी वापस आ रही है, मतदान पेटी का जमा कर रही है, वहां पर एकत्र हैं। आज जो पोलिंग हुई है उसमें 97.8% हमारा जो मतदान प्रतिशत है वो 97.8% है। ये टेंटेटिव है, जब पूरी मतपेटिकाएँ जमा हो जाएंगी उनके साथ जो मतपत्र लेखा आया हुआ है एक बार पुनः हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे और कोई डिफरेंस होगा तो उसको सूचित करेंगे। गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर निगम के सदन हॉल में बनाए गए बूथ पर पहुंचकर मतदान किया। आपको बता दें कि प्रदेश में स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव के लिए मतदान चल रहा है, जिसमें 9 सीटें भाजपा पहले ही निर्विरोध जीत चुकी है तथा 27 सीटों पर शनिवार को मतदान किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदर विधानसभा के विधायक होने के नाते मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान किया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, प्रत्याशी सीपी चंद सहित निगम के पार्षद मौजूद रहे। चलो यार पीछे चलो, अच्छे चलते रहो। बैठने के लिए वेट करिए, यहाँ पे वो साथ अंदर कोई नहीं जाएगा जी, आपको किनारे हो जाओ भैया, महाराज जी, 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 महाराज जी,
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत सेवा श्रम संघ की स्थापना स्वामी प्रणवानंद ने की थी। इस संस्था की स्थापना वैदिक हिंदू धर्म की रक्षा एवं मानव मात्र की सेवा के लिए की गई थी और यह संस्था आज भी अपने उद्देश्यों पर चलते हुए वैदिक हिंदू धर्म की रक्षा एवं सेवा के पथ पर अग्रसर है। पूरा विश्वास है कि संस्था के वर्तमान पदाधिकारी आने वाली पीढ़ी में भी स्वामी प्रणवानंद के सेवा भाव एवं शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे। मुख्यमंत्री शनिवार की शाम भारत सेवा श्रम संघ दाऊदपुर में वासंतिक नवरात्र पूजा समारोह के तहत स्थापित मां भगवती की प्रतिमा की पूजा अर्चना करने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संस्था का गोरखनाथ मंदिर से बहुत पुराना जुड़ाव है। संस्था के संस्थापक स्वामी प्रणवानंद का जन्म पूर्वी बंगाल में हुआ था। केवल 12 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गोरखपुर में योगी राजबाबा गंभीर नाथ से योग की दीक्षा ली थी। उसके बाद समाज को योग की शिक्षा देने में जुट गए। पूर्वोत्तर राज्यों एवं पश्चिम बंगाल में इस संस्था के कई सराहनीय कार्य हैं। वैदिक हिंदू धर्म की स्थापना के लिए इनके द्वारा किए जाने वाले सार्थक कार्यों का वहां दृष्टांत मिलता है। हर बड़े तीर्थ स्थान प्रमुख धर्मस्थल पर भारत सेवा आश्रम संघ का आश्रम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 वर्ष बाद उन्हें यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि इससे पहले वह एवं उनके गुरुदेव नियमित रूप से यहाँ आते रहे हैं। सन 2012 में भारत सेवाश्रम के संत पूरे देश से गोरखपुर आए थे और अपने गुरु स्वामी प्रणवानंद के सम्मान में भव आयोजन किया था। इन्हीं संतों के मार्गदर्शन में समाज सकारात्मक दिशा में जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज चैत्र नवरात्र की महाअष्टमी तिथि पर एक बार फिर इस कार्यक्रम से जुड़ने का अवसर मिला है। इस संस्था के पदाधिकारी केवल कर्मकांड ही नहीं बल्कि उसके व्यवहारिक स्वरूप पर भी विश्वास करते हैं। इससे पहले भारत सेवाश्रम संघ भवन परिसर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहुंचते ही महिलाओं ने शंखध्वनि के बीच फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। परिसर में स्थित मंदिर में पहुंचकर मुख्यमंत्री ने स्वामी प्रणवानंद को नमन किया और मंत्रोच्चार के बीच मां भगवती की पूजा अर्चना एवं आरती की। भारत सेवा श्रम संघ परिवार की ओर से गोरखपुर शाखा प्रभारी स्वामी निश्रेयासानंद, कुरुक्षेत्र शाखा प्रभारी स्वामी तारानंद अचित्य लहड़ी ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। आनंद मुखर्जी ने मुख्यमंत्री के सम्मान में सम्मान पत्र का वाचन किया। स्वामी निश्रेयासानंद ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए उनके प्रति आभार जताया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने श्री श्री गुरु भजन पुस्तिका का विमोचन किया। कार्यक्रम के दौरान भारत सेवा श्रम संघ गोरखपुर शाखा के प्रभारी स्वामी निशेषानंद ने बलिदानी सचिंद्र नाथ सान्याल के गोरखपुर से जुड़ाव की चर्चा करते हुए आश्रम परिसर में उनकी प्रतिमा स्थापित करने के बारे में बताया। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अचानक प्रतिमा के लिए प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण करने की इच्छा जताई। स्थल का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने सचिंद्र नाथ सान्याल की आदमकद प्रतिमा व एक सभागार के लिए प्रस्ताव बनाकर जल्द भेजने को कहा। मुख्यमंत्री ने प्रतिमा स्थापित कराने एवं सभागार बनवाने का आश्वासन दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारत सेवाश्रम के प्रभारी स्वामी निःशेषानंद महाराज ने कहा,
शिवाजी महाराज का माल्यार्पण कर हमें स्वागत अभिनंदन करते स्थापना के लिए कैसे अत्यंत
सार्थक रूप से कार्यकर्ता दिखाई दे रहा है। इसका एक जीवंत उदाहरण उन क्षेत्रों में देखने को मिलता है। देश के अंदर हर प्रमुख तीर्थों में और हर महत्वपूर्ण स्थलों पर भारत सेवा आश्रम अपनी सेवा और वैदिक धर्म के प्रति अपने समर्पण के लिए जाना जाता है। आज मेरा सौभाग्य है कि लगभग तीन वर्ष बाद मुझे फिर से यहाँ पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं 2019 में इस आश्रम में आया था और तब भी यहाँ पर स्वामी जी श्रेयसानंद जी के साथ यहाँ के कार्यक्रमों के साथ जुड़ने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ था। इससे पहले मुझे या मेरे पूज्य गुरुदेव को अनेक बार यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ था। 2012 में भारत सेवा श्रम संघ के सभी सन्यासी स्वयं गोरखपुर में पधारे थे और गोरखनाथ मंदिर में उन्होंने स्वामी प्रणवानंद जी की दीक्षा के 100 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर एक भव्य आयोजन किया था। भाइयों बहनों, भारत की सनातन धर्म की परंपरा इन्हीं पूज्य संतों के आशीर्वाद से उनके मार्गदर्शन में निरंतरता और आज हमारा सौभाग्य है कि हमें चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर फिर से इस आयोजन के साथ जोड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। भारत सेवा आश्रम संघ केवल कर्मकांड पर विश्वास नहीं करता बल्कि उसके व्यावहारिक स्वरूप पर भी पूरी मजबूती के साथ उसे अंगीकार भी करता है, उसका पालन भी करता है। और यही कारण है कि देश के असंख्य लोगों की श्रद्धा और विश्वास का पात्र यह संगठन बना है। आज मेरा सौभाग्य है जगत जननी माँ भगवती की महाष्टमी के पूजन के साथ भारत सेवा आश्रम संघ के साथ मुझे जोड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे विश्वास है कि भारत सेवा आश्रम संघ पूज्य स्वामी परमानंद जी महाराज की शिक्षाओं का निरंतर आने वाली पीढ़ी में भी प्रचार प्रसार करते हुए इसे आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। भारत सेवा आश्रम संघ के इन सभी कार्यों के प्रति मेरा सदैव सहयोग रहेगा। मेरी पूरी शुभकामनाएं भारत सेवा आश्रम संघ और उनकी सेवा और समर्पण के पूरे अभियान के प्रति सदैव बना रहेगा। आप सबको महाअष्टमी और कम नवमी की पुण्यतिथि है, इस अवसर पर मैं हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। हमारे बीच में आपकी पूर्ववर्ती उपस्थिति एक अंतराल के उपरांत बनी है और उपस्थित जन समूह की तरफ से मुझे महाराज जी को प्रणाम है और उपस्थित जन समूह को अवगत कराना चाहता हूँ कि जिस स्थान पर हम सभी खड़े हैं वह स्थान सुप्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी शचीन्द्रनाथ सान्याल जी कर्म भूमि रही है। मुझे महाराज जी से अनुरोध है कि अमर बलिदानी शचीन्द्रनाथ सान्याल जी की कर्म भूमि के संरक्षण की दिशा में भी भारत सेवाश्रम संघ परिवार निरंतर कार्यरत है। इस संबंध में भी उत्तर प्रदेश सरकार की सहयोग की हम सभी की आकांक्षा है। यह पुस्तक का अनावरण देख ले।
एकदम ये आपकी आश्रम का पार्ट है, आश्रम का पार्ट है, ये और ये भी आश्रम का पार्ट है, तोड़ना है ये तोड़ के नया बना, ये बन गया, ये जो सचिंद्र नाथ सन्याल का आप उसका डिजाइन बना के दे, मैं ये गोरखपुर भारत सेवा संघ के प्रभारी हूँ स्वामी निश्रेशानंद जी महाराज। महाराज जी आए हैं, ये कोई नया नहीं है, भारत सेवा संघ के साथ गुरुनाथ मंदिर का संबंध बहुत पुराना है। उनको जो गुरु थे महंत अवैधनाथ जी, तब से हमारे संबंध है और उसी का परंपरा को निभाते हुए जगन्नाथ जी भी आ रहे हैं। ऐसे नहीं है कि मुख्यमंत्री बने हैं संपर्क टूट गया है, आना जाना बंद हो गया, ऐसे नहीं है, हमारे पुराने जन संबंध है उसी का है। इसी के साथ साथ नवरात्रि में माँ की आशीर्वाद, उनका शक्ति, उनका ये लेने के लिए उन्हें आए थे और हम लोग बहुत खुशी या प्रफुल्लित हैं कि इस तरह का उनका आगमन और संबंधित करना, हम बहुत खुश हैं, आनंदित हैं। हमेशा आते रहते हैं कि नहीं, इसके पहले हमेशा आते थे, जब MP थे तब भी आते थे, एक बार मुख्यमंत्री बने थे, पिछली बार भी आए थे, कोरोना के पहले आए थे, ये दूसरा पारी है जब दोबारा मुख्यमंत्री बने तब भी आए और घर की तरफ बैठे बातचीत करते रहे, खाना पीना खाए, नाश्ते जलपान भी किया, निरसा किया भाई, तो अपनापन एक तरीका है और हम लोग बहुत खुश भी हैं और नवरात्रि का आशीर्वाद लेने के लिए उन्होंने हर साल आते हैं। और खास कुछ कार्यक्रम में अगर फंस ना जाए तो फंस जाता तो नहीं आते हैं, लेकिन अगर फंस ना जाए तो वो जरूर आते हैं। गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव के लिए भाजपा के प्रत्याशी CP चंद्र ने कहा कि गोरखपुर महाराजगंज में स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव के लिए मतदान हो रहा है, जिसमें 21 बूथ गोरखपुर व 12 बूथ महाराजगंज में बनाया गया है। इन सभी बूथों पर मतदाता भाजपा के पक्ष में मतदान कर रहे हैं और लोगों के अंदर मतदान के लिए काफी उत्साह है। उन्होंने कहा भाजपा प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव जीत रही है तथा चुनाव जीतने के बाद भाजपा के द्वारा दिए गए दायित्व पर खरा उतरने का काम करूंगा। वहीं इस संबंध में सभा प्रत्याशी रजनीश यादव ने कहा कि लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले सभी मतदाता मेरे पक्ष में मतदान कर रहे हैं, क्योंकि लोग सपा की नीतियों व कार्यों से प्रभावित हैं, इसलिए प्रदेश में सभी सीटों पर सपा की जीत होगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण चुनाव के भाजपा के प्रत्याशी CP चंद व सपा प्रत्याशी रजनीश यादव ने कहा माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों में विश्वास रखने वाले, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले सभी समाजवादी, सभी अम्बेडकरवादी, सभी लोग पूरी मुस्तैदी से हमारे पक्ष में मतदान करेंगे। हमारे नीतियों और कार्यक्रमों से लोग प्रभावित हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पूरे 6 साल फील्ड से गायब रहे हैं, उन्होंने किसी को मुँह तक दिखाने का काम नहीं किया। इस बात को लेकर मतदाताओं में बड़ा आक्रोश है। सत्ता बल और धन बल के दुरुपयोग के बल पर जो सपना भारतीय जनता पार्टी ने सजोया है वो चकनाचूर होगा। अखिलेश यादव की नीतियां विजयी होंगी, समाजवादियों का कार्यक्रम विजयी होगा और मतदाताओं की निष्पक्षता विजयी होगी। अधिकतर लोग तो यहाँ पे लोग कह रहे हैं जितने भी पार्षद हैं भाजपा को मतदान करें, किस तरह से आप दावेदारी कर रहे हैं? उनके जो घोषित पार्षद हैं उनको मतदान कर रहे हैं, हमारे जो घोषित पार्षद हैं हमको मतदान कर रहे हैं। मतदाताओं के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मतदाताओं से अपील है कि लोकतंत्र में विश्वास रखने वालों को जिताएं, संविधान में विश्वास रखने वालों को जिताएं, लगातार क्षेत्र में साथ रहकर काम करने वालों को जिताएं। चुनाव के लिए मतदान संपन्न हुआ, मुख्यमंत्री जी ने किया तमाम सांसद। देखिए आपने देखा होगा कितना उत्साह लोगों में देखने को मिला है और अभी विधानसभा में जिस तरीके का उत्साह था उससे भी बढ़ करके इस समय ये आज माहौल रहा, तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी विधान परिषद की सारी सीटें जीतने जा रही है।
कितने सीटें लगभग प्रदेश में? सभी 36 सीटों पे जो चुनाव हो रहा है, 9 तो पहले निर्विरोध हो चुका है, जो 27 पे मतदान हो रहा है वो सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से जीतने जा रही है। मतदाताओं के लिए कुछ कहना चाहेंगे? उनका आभार और धन्यवाद, और उन्होंने जिस उम्मीदों के साथ, जिस अपेक्षाओं के साथ में हमें आशीर्वाद दिया है, उनकी अपेक्षाओं पे 100% खरा उतरने का प्रयत्न करूंगा। गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव के लिए नगर निगम के सदन हॉल में बनाए गए मतदान बूथ पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान संपन्न हुआ, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि जनपद में हो रहे एमएलसी चुनाव के संबंध में जिले के सभी बूथों का भ्रमणशील रहकर निरीक्षण किया गया है। वहां पर केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती व सिविल पुलिस की तैनाती की गई है तथा सभी जगहों पर शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है, कहीं पर भी कोई समस्या नहीं है। इसलिए प्रयास है कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न कराया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा, आज जनपद में हो रहे एमएलसी चुनाव के संबंध में मेरे और डीएम साहब के द्वारा कई केंद्रों पर जाकर निरीक्षण किया गया, जहां पर कि पुलिस बल की तैनाती और चुनाव पोल अधिकारियों की तैनाती के संबंध में देखा गया, और सभी सकुशल शांतिपूर्वक निष्पक्ष रूप से ये चुनाव चल रहा है और कहीं कोई समस्या नहीं है, और लगातार पुलिस बल क्षेत्र में भ्रमण पर है। शाम को मतदान समाप्त होने तक और मतपेटियां वापस आने तक पुलिस एक्टिव रहेगी क्षेत्र में। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने आदेश जारी कर स्ट्रिपर मशीन से भूसा बनाने पर लगे प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। अब किसान खेतों में सावधानी बरतते हुए अपने खेतों में भूसा बना सकेंगे। डीएम ने पहले से लगे प्रतिबंध को शनिवार की शाम को हटा दिया है, जिससे जिले के हजारों किसानों को सहूलियत होगी। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने आदेश जारी करते हुए किसानों से अपील किया कि खेतों में भूसा बनाते समय स्ट्रिपर मशीन का प्रयोग करते हुए सावधानी बरतें, जिससे आग लगने के कारण किसी प्रकार के जान माल का नुकसान ना हो। जिलाधिकारी ने 5 अप्रैल को आदेश जारी कर 30 अप्रैल की खेत में मशीन से भूसा बनाने पर प्रतिबंध को प्रीपोन्ड कर 15 अप्रैल कर दिया था। डीएम का कहना है कि वर्तमान समय में अधिकांश जगहों पर खेतों में गेहूं की फसल की कटाई के बाद अधिकांश किसान डीएम से मशीन से भूसा बनाने देने की मांग कर रहे थे, जिसका संज्ञान लेकर शनिवार की शाम को डीएम ने यह निर्देश जारी किया है। आपको बता दें कि हर साल गेहूं की फसल के समय खेत में भूसा बनाने वाली मशीन के कारण आग लगने की घटनाएं आम बात थी। किसानों की लहलहाती फसलें आग में स्वाहा हो जाती थी, जिसको देखते हुए डीएम ने खेत में स्ट्रिपर मशीन से भूसा बनाने पर 30 अप्रैल तक रोक लगाई थी। फिर इस आदेश में संशोधन करके 15 अप्रैल किया था। अब डीएम ने इसे तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। इस आदेश का असर है कि इस रबी के सीजन में अभी तक खेतों में फसलों में आग लगने की जिले में इक्का दुक्का ही घटनाएं हुई हैं। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। 4 दशक बाद सत्ताधारी दल को मिलेगा विधान परिषद में प्रचंड बहुमत। विधान परिषद चुनाव के लिए बतौर गोरखपुर नगर विधायक सीएम योगी ने मतदान करने के बाद कहा, विधान परिषद में विकास व लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को अवरुद्ध करती थी सपा। विधान परिषद की 36 में से 9 सीटों पर बीजेपी निर्विरोध से 27 में से भी अधिकांश सीटों पर हासिल होगी जीत। विधान परिषद में भी प्रचंड बहुमत से लोक कल्याण, महिलाओं, गरीबों, किसानों व श्रमिकों के हित में और बेहतर कार्य करने में सक्षम होगी सरकार। गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव ड्यूटी में लगी पोलिंग पार्टियां मतदान करने के बाद बैलेट बॉक्स को स्ट्रांग रूम में किया जमा। एआरओ ने कहा, स्थानीय प्राधिकरण का चुनाव सकुशल हुआ संपन्न, 98.9% हुआ मतदान।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव के लिए नगर निगम में बनाए गए बूथ पर पहुंचकर किया मतदान। कहा, प्रदेश में सभी सीटों पर जीत रही है भाजपा, 9 सीटों के प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध जीत चुके हैं चुनाव। भारत सेवा श्रम संघ के वासंतिक नवरात्र पूजा कार्यक्रम में सम्मिलित हुए सीएम योगी। कहा, हिंदू धर्म की सेवा पथ पर अग्रसर है भारत सेवा श्रम संघ। गोरखनाथ मंदिर से भारत सेवा श्रम का जुड़ाव है बहुत पुराना। गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव के प्रत्याशी सीपी चंद ने कहा, गोरखपुर सहित सभी सीटों पर चुनाव जीत रही है भाजपा। वहीं सपा प्रत्याशी रजनीश यादव ने भी किया दावा। कहा, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नीतियों से प्रभावित होकर सभी मतदाता सपा के पक्ष में कर रहे हैं मतदान। दोनों प्रत्याशियों ने अपने अपने जीत का किया दावा। गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के लिए बनाए गए बूथों पर कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ मतदान। एसएसपी ने कहा, भ्रमणशील रहकर सभी बूथों का लिया गया है जायजा, शांतिपूर्वक संपन्न होगा मतदान। खेतों में स्टीपर मशीन से भूसा बनाने पर लगे प्रतिबंध को जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने तत्काल प्रभाव से हटाया। किसानों से किया अपील। कहा, खेतों में भूसा बनाते समय स्टीपर मशीन का प्रयोग करते हुए बरते सावधानी ताकि आग लगने से ना हो सके जान माल का नुकसान। गोरखनाथ मंदिर में वासंतिक नवरात्र के अष्टमी में मां महागौरी की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया आराधना। पूजा और हवन कर की लोक मंगल की कामना। रविवार को सुबह 11 बजे देवी स्वरूपा कन्याओं का पाव पखार कर करेंगे उनका पूजन और कराएंगे उन्हें भोजन। जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह ने गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण चुनाव के लिए नगर निगम बूथ पर किया मतदान। कहा, प्रदेश सरकार कर रही है अच्छा कार्य, प्रभावित होकर सभी मतदाता भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में कर रहे हैं मतदान। सभी सीटों पर चुनाव जीतेगी भाजपा। गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव के लिए ग्रामीण विधायक विपिन सिंह सहित नगर निगम की महिला पार्षदों ने निगम के सदन हॉल में बनाए गए बूथ पर पहुंचकर किया मतदान। कहा, सभी मतदाता सीएम योगी के नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में कर रहे हैं मतदान। प्रदेश के सभी सीटों पर चुनाव जीतेगी भाजपा। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने एमएलसी चुनाव में किया मतदान। कहा, प्रदेश में सभी सीटों पर जीत रही है भाजपा। मुख्यमंत्री योगी व प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों से सभी मतदाता हैं प्रभावित, कर रहे हैं भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान। सदर सांसद रवि किशन व राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद ने गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव के लिए नगर निगम के सदन हॉल में बनाए गए बूथ पर पहुंचकर किया मतदान। कहा, प्रदेश के सभी 27 सीटों पर चुनाव जीत रही है भाजपा, 9 प्रत्याशी पहले ही चुने गए हैं निर्विरोध। महापौर सीताराम जायसवाल सहित नगर निगम के पार्षदों ने गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव के लिए किया मतदान। कहा, भाजपा प्रत्याशी भारी मतों से जीतेंगे चुनाव। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि विधान परिषद के चुनाव में गोरखपुर क्षेत्र की सभी 5 सीटें जीत रही है भाजपा। प्रदेश में 9 सीट पर पहले ही निर्विरोध हो चुका है जीत, 27 सीटों के लिए हुआ है मतदान। और मिशन शक्ति अभियान के तहत राजघाट थाने पहुंचे आर्मी पब्लिक स्कूल की छात्राएं। छात्राओं को थाने में घुमाकर बताया गया महिला अपराधों में किस तरह कार्रवाई करती है पुलिस। एसएसपी ने वुमेन हेल्पलाइन नंबर व डायल 112 के बारे में दी जानकारी। पेगस निशान, गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स,
भारत पेट्रोलियम के अपोजिट नौसढ़ गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निसान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई। रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। मटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाएं। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वासंतिक नवरात्र की महाअष्टमी तिथि पर मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने शनिवार रात्रि गोरखनाथ मंदिर स्थित शक्तिपीठ में विधि विधान से मां महागौरी की पूजा अर्चना की। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पीठ की परंपरा के अनुसार हवन व आरती के साथ मुख्यमंत्री ने अनुष्ठान पूर्ण किया। कल रविवार को नवमी तिथि का हवन होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पूर्वाह्न 11 बजे देवी स्वरूपा कन्याओं का पांव पखार कर उनका पूजन करेंगे और उन्हें भोजन कराएंगे। वासंतिक नवरात्र के पहले ही दिन से गोरखनाथ मंदिर के शक्तिपीठ में देवी आदिशक्ति भगवती के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना का क्रम जारी है। 3 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार अपहरण गोरखपुर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवरात्र की अष्टमी तिथि पर रात में आदिशक्ति की विधि विधान से आराधना की। इस दौरान पारंपरिक पूजन, समस्त देवी देवताओं के अभिषेक, सात्विक बलि का अनुष्ठान किया गया। इसके बाद गोरखपीठाधीश्वर ने गोरखपीठ की परंपरा के अनुसार अष्टमी का हवन किया। आरती व प्रसाद वितरण के साथ आज की आराधना पूर्ण हुई। ओम नमः सत्यै स्वाहा। ओम नमः सत्यै नमः स्वाहा। ओम या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संचिता। ओम नमः सत्यै स्वाहा। ओम नमः सत्यै स्वाहा। ओम नमः सत्यै नमः स्वाहा। ओम या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संचिता। ओम नमः सत्यै स्वाहा। ओम नमः सत्यै स्वाहा। ओम नमः सत्यै नमः स्वाहा। ओम या देवी सर्वभूतेषु कृष्णा रूपेण संचिता। ओम नमः सत्यै स्वाहा। गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह ने नगर निगम के सदन हॉल में बनाए गए बूथ पर पहुंचकर मतदान किया, जिसके संबंध में जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह ने बताया कि गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी सीपी चंद विजयी होंगे, जिसके लिए सभी मतदाताओं को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने सीपी चंद के पक्ष में मतदान किया है। उन्होंने कहा, प्रदेश सरकार अच्छा कार्य कर रही है, जिसके कार्यों से प्रभावित होकर सभी मतदाता पक्ष में मतदान कर रहे हैं, इसलिए सभी सीटों पर
पर भाजपा के ही प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे, क्योंकि पहले ही 9 प्रत्याशी निर्विरोध चुनाव जीत चुके हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह ने कहा, वोट किया है, विजय भी होंगे, यही कहने चाहेंगे। और क्या बाकी शुभकामनाएं देंगे सभी को जिन्होंने सीपी चंद जी को वोट किया है, और उनको अग्रिम बधाई भी देंगे जी। अपनी सरकार के लिए मैं सरकार ऑलरेडी इतना अच्छा काम कर रही है कि उसके लिए अब और कुछ नहीं, बाकी जो भी कुछ अगर हम लोग को कोई सुझाव या कुछ समझ में आएगा कि जो हमें देना होगा तो हम पार्टी में देंगे। नारी शक्ति की बात करें तो आप हाँ, नारी शक्ति एकदम सुरक्षित है, नारियों को मौका भी दे रहा है, और नारी किसी से कम नहीं है, हर चीज़ हर एक उसमें कहीं पर भी उसको कोई जिम्मेदारी दी जाएगी उसे वो बखूबी से निभाती है। गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव के लिए विधायक विपिन सिंह सहित नगर निगम की महिला पार्षदों ने निगम के सदन हॉल में पहुंचकर मतदान किया, जिसके संबंध में ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने बताया कि प्रदेश में विधान परिषद की सभी सीटें जीतने जा रहे हैं तथा पहले ही 9 सीटें निर्विरोध जीत चुके हैं, बाकी सभी सीटें काम के आधार पर जीतने जा रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंचायतों के विकास जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत सहित नगर निगम को भी बहुत पैसा दिया है जिससे सभी गांव व वार्डों का विकास हो सके, इसलिए सभी प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य मन बना चुके हैं कि भाजपा के पक्ष में मतदान करेंगे और कर भी रहे हैं, क्योंकि अगर विधान परिषद में भाजपा के ज्यादा सदस्य रहेंगे तो कोई भी नियम कानून आसानी से पास हो जाएगा, जिसके लिए सभी मतदाताओं को धन्यवाद देता हूँ। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ग्रामीण विधायक विपिन सिंह और नगर निगम की महिला पार्षदों ने कहा, सरोज सिंह कितने वार्ड के पार्षद? 28 नंबर वार्ड से सिंहपुर शहबाजगंज, बीजेपी को वोट दिए हैं, काम बहुत अच्छा हो रहा है, सब विकास हो रहा है, अब हमको क्या चाहिए, हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा लगा। कहना चाहेंगे? कह तो रहे मेरे मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से काम करवाते हैं, विकास हो रहा है, हम लोग सुरक्षित भी हैं। आरती सिंह, पार्षद वार्ड नंबर 56, नेताजी सुभाष चंद्र बोस नगर। बहुत अच्छा लगा, और हम लोग के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी भी वोट डाले हैं, ये एक हम लोग के लिए गोल्डन चांस था कि उनके टाइम में हम लोग भी उनके साथ ही वोट डाले हैं। कंचन लता सिंह, वार्ड संख्या 60, रुस्तमपुर। कैसा लगा? मुझे बहुत ही हर्ष हुआ वोट डाल के, और जो कि यहाँ के विधायक भी हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं उनके साथ वोट डालने का मौका मिला। हमने विकास के मुद्दों के लेके और नारी सशक्तिकरण और भी सारी सुरक्षा जो हमने भाजपा सरकार में पाई है उसके लिए हम विकास के लिए बहुत ही आश्वस्त हैं भाजपा सरकार से। धन्यवाद। निश्चित हम सबकी सब सीट जीतने जा रहे हैं, विधान परिषद की 9 सीटें हम पहले निर्विरोध जीत चुके हैं और बाकी सभी जो है सीटें पूज महाराज जी इतना काम किया, हमारे सचिव प्रधानमंत्री जी ने पंचायतों को बहुत पैसा दिया, चाहे ग्राम पंचायत को ले, चाहे क्षेत्र पंचायत, चाहे जिला पंचायत को, चाहे नगर निगम को, पूज महाराज जी ने जितना पैसा दिया है, चाहे प्रधानों का मानदेय बढ़ाना, चाहे उनके अधिकार क्षेत्र में बढ़ोतरी करना, तो इसका नतीजा ये मिलेगा कि सारे लोग मन बना चुके हैं कि फिर से जो विधानसभा परिषद में भी पूज महाराज जी की
बहुमत हो ताकि हमारे जितने भी नियम कानून बनते हैं, जो भी प्रस्ताव होते हैं, वो विधान परिषद में आसानी से पास हो सके। क्या कहना चाहेंगे मतदाताओं के लिए? तो हम बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे कि आप लोगों ने पूज्य महाराज जी का सम्मान रखा है और हमारे सचिव प्रधानमंत्री जी के विचारों से आप लोटपोट होकर के और अब अधिक से अधिक मतदान कर रहे हैं और इससे भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रत्याशी प्रदेश में जीत करके पुनः दोबारा आएंगे। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव के लिए नगर निगम बूथ पर पहुंचकर मतदान किया, जिसके संबंध में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने बताया कि पूरे प्रदेश में भाजपा प्रत्याशियों की जीत हो रही है क्योंकि सभी मतदाता प्रधानमंत्री मोदी व मुख्यमंत्री योगी के नीतियों से प्रभावित हैं, इसलिए सभी मतदाता भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान कर रहे हैं, जिसको देखते हुए मेरे द्वारा भी मतदान किया गया है और मेरा सौभाग्य है कि एक वोट डालकर एक भाई को सदन में पहुंचाने का काम करूंगा तथा सभी सीटें भाजपा जीत रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने कहा, मैं सौभाग्यशाली हूँ और बधाई देता हूँ माननीय योगी जी को, योगी आदित्यनाथ जी को, कि उन्होंने अपनी टीम में एक जगह दी और एक गरीब मछुआरे के बेटे को कैबिनेट स्तर का दर्जा दिया, मतलब कैबिनेट मंत्री बनाकर जिस समुदाय का आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के सामने, आप लोगों के प्यार और स्नेह से संघर्ष कर रहा था, उनकी आवाज़ उठा रहा था, सड़क से सड़क सदन तक मैं लड़ाई लड़ रहा था, उस सदन के अंदर एक वकील को भेजा, मैं धन्यवाद दूंगा महाराज जी को, भारतीय जनता पार्टी को भी, उनके कार्यकर्ताओं को भी, दिल्ली के जो मोदी जी हैं, योगी जी, अमित शाह जी हैं, नड्डा साहब और धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, और आज जो हमें अवसर मिला है एक जनप्रतिनिधि के रूप में, हमें राज्यपाल ने चुना है, मैं मनोनीत MLC हूँ, मेरे 13 किताबें लिखने, उत्कृष्ट कार्यों और मैंने सामाजिक सेवा में लंबा संघर्ष किया हूँ, उसके नाते हमें आज राज्यपाल ने हमें चुनकर MLC भेजा और हमें आज अपने साथी को चुनने का यहाँ अवसर मिला और मैं लखनऊ से चल के आ रहा हूँ, सबको बधाई देता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ और जिस प्रत्याशी को मैं वोट दे के आ रहा हूँ उनके अग्रिम शुभकामनाएं जीत का देता हूँ। हम बधाई दूंगा देश की जनता को, माननीय मोदी जी, अमित शाह जी और माननीय योगी आदित्यनाथ को कि आज उनकी नीतियां और मोदी जी के, योगी जी के सुशासन को मुहर जो लगाया, वो चुने हुए जनप्रतिनिधि आप चुनाव में आज भाग ले रहे हैं और एक भाई को चुन रहे हैं। मैं भी सौभाग्यशाली हूँ कि हमें 13 किताबें लिखने, उत्तर प्रदेश में सड़क से सदन तक लड़ने और उस सोए हुए समाज को जगाने का जो हमें उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के अनुमोदन पर राज्यपाल ने हमें जो है चुना है और हमें जो है MLC बनाया है, मैं धन्यवाद दूंगा का सौभाग्यशाली हूँ कि मैं भी उस वोट डालकर एक भाई को यहाँ से सदन में पहुँचाऊँ। कितनी सीटें पूरी यहाँ कोई और विपक्ष है ही नहीं, क्योंकि जनता मोदी जी के साथ है, योगी जी के साथ है, इस NDA के साथ है, तो सारी जनता जब इनके साथ है तो सीट तो जनता भारतीय जनता पार्टी के पास हो। सदर सांसद रवि किशन व राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद ने गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव के लिए नगर निगम के सदन हॉल में बनाए गए बूथ पर पहुंचकर मतदान किया, जिसके संबंध में सदर सांसद रवि किशन ने बताया कि गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव में भाजपा सभी प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव जीत रही है, जिसमें 9 सीटों पर पहले ही निर्विरोध चुनाव जीत चुकी है, बाकी 27 सीटों पर भी भाजपा की जीत होगी। उन्होंने कहा, प्रदेश में प्रधान, पार्षद, विधायक, सांसद सभी लोग भाजपा के साथ हैं, इसलिए सभी जगहों पर भाजपा की ही जीत होगी। वहीं इस संबंध में राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद ने बताया कि पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी व प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी के कार्यों की प्रशंसा हो रही है तथा पक्ष व विपक्ष के जितने भी पार्षद और प्रधान हैं सभी लोग भाजपा के पक्ष में मतदान किए हैं, जिससे सभी सीटों पर प्रदेश में भाजपा के उम्मीदवारों की जीत होगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन और राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद ने कहा,
माता जी बहुत सीरियस आता है उनका पाले बम्बई गए थे सब डॉक्टर से काम ले देखिए ऐसा एमएलसी या त्रिस्तरीय पंचायत द्वारा विधान परिषद का चुनाव हो रहा है पूरे प्रदेश में। मोदी और योगी के कार्यों की प्रशंसा करते हुए पक्ष या विपक्ष के जो भी पंचायत के सदस्य हैं एक तरफा वोट मोदी के पक्ष में योगी के पक्ष में दे रहे हैं और दे करके प्रचंड बहुमत से सभी सदस्यों को 100 में 100% मतदान करके लोग एक तरफा चुनाव जिताने का काम कर रहे हैं। कितनी सीटें निकलेंगी? हमारी सारी की सारी सीटें पूरे प्रदेश में निकलेगी और भारतीय जनता पार्टी के सब पूर्ण बहुमत की विधान परिषद में सदस्य होंगे। पूज्य महाराज जी आए थे तो यही लग रहा है बहुमत से, क्या पूरा माहौल यही है कि बहुमत से हम लोग जैसे चुनाव जीते थे विधायक गण लोगों का, एमएलसी का भी बहुमत की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के सारे एमएलसी चुने जाएंगे और इसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं। सब लोगों का पूरा एक विचार उत्तर प्रदेश की जन जन का है, पार्षद गण का है, विधायक गण का है, सांसद गण का है, सभी लोगों का है कि बनना है भारतीय जनता पार्टी को। योगी जी के अंतर्गत ही सबको रहना है, योगी जी की सरकार के माहौल में ही उत्तर प्रदेश को आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखना और बढ़ाना है। भी सतर्क होना चाहिए, हम सबसे हाथ जोड़ के निहोरा करें कि आप लोग भी सतर्क रहें, आपके अगल बगल में किसी को भी मूवमेंट करते हुए देखें, किसी भी लड़के की आपको लगे कि इसके उसकी मूवमेंट में शक है, कोई गलत माहौल है और या सोच रहा है या बात कर रहा है या व्हाट्सएप मैसेज कोई घूम रहा है तो आप लोग तुरंत सतर्क होकर बताएं। पुलिस प्रशासन तो अलर्ट है लेकिन जनता का भी दायित्व बनता है कि अगर ये लोग उत्तर प्रदेश को कश्मीर वाला मूवमेंट बनाना चाहेंगे तो जनता उन लोगों का मुंह तोड़ जवाब देगी। प्रशासन तो टाइट है लेकिन ये बहुत बड़ी आतंकवादी घटना थी और इसको बड़ा अंजाम देना था, उसको हथियार नहीं मिला, नहीं तो लड़का बहुत बड़ा अंजाम देता। हाँ तो ये देखिए सारी चीजें आप समझ ही रहे ना कि पूरे विश्व में जितने भी आतंकवादी मूवमेंट है, आतंकवादी जितनी भी सरगना है, आतंकवादी जितना भी संगठन है, सबके हिट लिस्ट में महाराज जी के मूवमेंट रहते हैं, महाराज जी का नाम है। तो हम लोगों को सतर्क होना चाहिए, प्रशासन को सतर्क होना चाहिए, पुलिस प्रशासन को और हमारी जितनी खुफिया एजेंसी है सब लोगों को बहुत ही अलर्ट होना है। मोदी जी और योगी जी हमेशा हिट लिस्ट में रहें, हम लोगों को उनको अब कैसे संभालना और देखना है वो जरूरी है। गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव के लिए महापौर सीताराम जायसवाल सहित महानगर के पार्षदों ने नगर निगम के सदन हॉल में पहुंचकर मतदान किया, जिसके संबंध में महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया कि गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव के लिए नगर निगम के सदन हॉल में वीआईपी बूथ बनाया गया है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सदर सांसद रवि किशन, राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला, विधायक विपिन सिंह व मेरे द्वारा स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव के लिए मतदान किया गया है। उन्होंने कहा नगर निगम के सदन हॉल में सुबह 8 बजे से ही मतदान चल रहा है और उम्मीद है कि गोरखपुर महाराजगंज के भाजपा के प्रत्याशी सीपी चंद्र भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। इससे पहले भाजपा के पास विधान परिषद सदस्यों की संख्या कम थी जिससे विधान परिषद में काम करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब सभी सीटों पर चुनाव जीतकर भाजपा की संख्या ज्यादा हो जाएगी जिससे विधान परिषद में काम करने में आसानी होगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर निगम के पार्षदों, उपसभापति ऋषि मोहन वर्मा और महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, ये वो फोन लगा के क्या मतलब बोल के रहे हैं, ये कहने का आदत हो रहा है।
मेरा नाम चंद्रशेखर सिंह है, मैं शाहपुर से लगातार 5 बार से पार्षद हूँ। विकास मुद्दों को लेकर हम लोग डाले हैं, हम लोग सारे लोग बीजेपी के पार्षद हैं और हम लोग योगी जी महाराज जी और माननीय सांसद रवि किशन जी भी यहाँ पर आए और शिव प्रताप शुक्ला जी राज्यसभा सदस्य भी आए। सारे लोगों के हम लोग लाइन में लगकर सारे लोगों ने मत दिया है और सीपी चंद को भारी मतों से हम लोग यहाँ गोरखपुर मंडल से चुनाव जिता रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भाजपा। आज जो है एमएलसी चुनाव का जब मतदान हुआ है, पूज्य महाराज जी की सरकार में जिस हिसाब से सुशासन और विकास के कार्य जो कराए जा रहे हैं, इसको देखते हुए हम लोग अपने गोरखपुर महाराजगंज के जो सुयोग्य प्रत्याशी सीपी चंद जी के पक्ष में वोट किए हैं कि हम लोगों की जो यहाँ की लोकल की जो समस्याएं हैं वो जाकर के उच्च सदन में उसको व्यवस्थित ढंग से विस्तारण करने का कार्य करेंगे। वार्ड नंबर 32 माधोपुर और रामलोट निषाद, वार्ड नंबर 15 गुप्ला। क्या कहना चाहेंगे? हम लोग मतदान विकास के लिए माननीय सीपी चंद को भाजपा प्रत्याशी को मतदान किए हैं विकास के लिए। किन मुद्दों को लेकर आपने वोट डाला? जी विकास, विकास के लिए। हम चंद्र प्रकाश सिंह पार्षद महेश्वर तो चुनाव के लिए मतदान वापस किया, क्या कहना चाहिए, किन मुद्दों को लेकर आपने वोट डाला? भारतीय जनता पार्टी की जो शीर्ष नेतृत्व है ऊपर से नीचे तक, केंद्र में हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार, यहाँ पे हमारे 9 विधानसभाओं में हम भाजपा के प्रत्याशी विजय हुए और उसी क्रम में हम एक और कड़ी जोड़ना चाहते हैं जो हमारे एमएलसी के प्रत्याशी सीपी चंद जी हैं, उनको भी भारी मतों से विजयी बनाने के लिए हम लोगों ने मतदान किया है और आशा करते हैं कि परिणाम हमारे पक्ष में होगा। आज हम लोगों के इस बूथ पर एक अलग माहौल था और वो माहौल काफ़ी खुशनुमा था। सभी माननीय पार्षदगण और माननीय विधायकगण, सांसदगण, ये सभी लोग पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में यहाँ पर अपने मत का प्रयोग करने आए थे। लोकतंत्र के इस महापर्व में एक अलग उत्साह इसलिए था क्योंकि आज हम लोगों के इस बूथ पर पूज्य महाराज जी भी मतदाता हैं और उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया, इसलिए हर्षोल्लास के साथ सभी पार्षदों ने अपने मतों का प्रयोग किया है। अभी एक घंटे के अंदर अंदर लगभग 50% से ज़्यादा मत यहाँ पड़ चुके हैं। ये एक उल्लास और लोकतंत्र के पर्व का मिसाल है और हम लोग यह चाहते हैं कि इस तरह ही लोकतंत्र के इस पर्व को मनाया जाए और अपने मतों का प्रयोग सभी लोग करें। गोरखपुर नगर निगम के अंदर VIP वार्ड, VIP बूथ बनाया गया है। इसका कारण है कि सदन के हमारे मेंबर के रूप में मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पर वोट डालेंगे। ये मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है और यहाँ पर हमारे पार्षद, MP भी हमारे बोर्ड के मेंबर हैं। आज महाराज जी ने मुख्यमंत्री की हैसियत से और यहाँ के बोर्ड के मेंबर के हैसियत से सुबह 8 बजे यहाँ पर अपना मतदान किया है। उनके साथ हमारे विधायक विपिन सिंह, हमारे MP, हमारे राज्यसभा के MP शिव प्रताप शुक्ल जी और आपके स्थानीय MP ने भी वोट डाला और हमारे उपसभापति ने, हमारे सभी पार्षदों ने, यहाँ पर मतदान अभी चल ही रहा है। हमें उम्मीद है कि सीपी चंद जी भारी संख्या से गोरखपुर और महाराजगंज क्षेत्र से विजयी होंगे। मुख्यमंत्री जी का कहना है, 4 दशकों से विपक्ष की सरकार थी, विधान परिषद में हमारी संख्या बहुत कम थी जिससे कारण जनहित के कार्यों में काफ़ी दिक्कतें आती थी और समय पर नहीं होता था। अब हमारे विधान परिषद में भारी संख्या में
जनप्रतिनिधि जाएंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में 27 स्थानों पर विधान परिषद का चुनाव हो रहा है, जिसमें हमें पूरी उम्मीद है कि 2700 विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। 9 हम ऑलरेडी निर्विरोध जीत चुके हैं। आज अष्टमी का त्यौहार है, पूरे देश में नवरात्रि मनाई जा रही है। मैं इस शुभ अवसर पर मैं शहरवासियों को भगवान राम के जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा गोरखपुर क्षेत्र की 5 सीटें जीत रही है, जिसके संबंध में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का चुनाव हो रहा है, जिसमें 36 सीटों में से 9 सीटों पर पहले ही भाजपा निर्विरोध चुनाव जीत चुकी है तथा 27 सीटों पर चुनाव चल रहा है, जिसमें गोरखपुर क्षेत्र में 5 सीटों पर चुनाव हो रहा है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार का आशीर्वाद जनता ने विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी और प्रधानमंत्री मोदी को दिया था, उसी तरह की लहर इस विधान परिषद के चुनाव में भी चल रही है, इसलिए मुझे विश्वास है कि प्रदेश में सभी सीटों पर भाजपा की जीत होगी। उन्होंने कहा, इसके लिए मतदाताओं को धन्यवाद देता हूं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, विधान परिषद के चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, विशेषकर 36 सीटों के चुनाव में 9 सीटें पहले ही भारतीय जनता पार्टी निर्वाचित हो चुकी है, निर्विरोध हो चुकी है। 27 सीटों के चुनाव चल रहे हैं और गोरखपुर क्षेत्र में 5 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। जिस प्रकार का उत्साह है और जिस प्रकार जनता ने आशीर्वाद योगी जी और मोदी जी को विधानसभा चुनाव में दिया था, उसी प्रकार का की लहर इस विधान परिषद के चुनाव में भी चल रही है और मुझे विश्वास है भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर भारी मतों से विजयी होगी। मतदाताओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? मतदाताओं को मैं विशेष रूप से आभारी हूँ कि जिन्होंने नरेंद्र भाई मोदी और योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों में आस्था प्रकट करते हुए विधानसभा के चुनाव की तरह आशीर्वाद इस चुनाव में भी मतदाताओं ने योगी जी और मोदी जी को दिया है, भारतीय जनता पार्टी को दिया है। मैं उनके प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूँ और महाअष्टमी की बधाई भी देता हूँ। मिशन शक्ति अभियान के तहत आर्मी पब्लिक स्कूल की छात्राओं को राजघाट थाने का निरीक्षण करवाया गया, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि चैत्र नवरात्र के उपलक्ष्य में मिशन शक्ति अभियान के तहत आर्मी पब्लिक स्कूल की छात्राओं को राजघाट थाने का निरीक्षण करवाया गया है। यहां पर छात्राओं को थाने के कार्यों के बारे में जानकारी दी गई, किस तरह से पुलिस कार्य करती है, किस तरह से अपराधियों को पकड़ के लाने के बाद बंदी गृह में बंद रखती है, इसके साथ किस तरह की सुविधाएं सरकार व यूपी पुलिस की तरफ से उपलब्ध कराई जा रही है और क्या क्या सेवाएं वह ले सकती हैं, जैसे वुमेन हेल्पलाइन नंबर 1090 व 112 के बारे में बताया गया कि किसी महिला को कोई व्यक्ति परेशान करता है तो वह किस नंबर पर कॉल करेगी तो पुलिस तुरंत पहुंचेगी और उसका नाम भी गोपनीय रखा जाएगा। उन्होंने कहा, छात्राओं को थाना देखना बहुत अच्छा लगा, वह बहुत खुश थी। इस तरह का अभियान आगे भी चलता रहेगा, जिससे महिला सशक्तिकरण के मिशन को आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा, छात्राओं को पास्को एक्ट, पुलिस की नियमावली, CWC की कार्यवाही, हिस्ट्री सीट, CCTNS के बारे में पूरी जानकारी दी गई, जिससे कि छात्राओं के अंदर का डर निकल जाए, वह बिना डर के पढ़ाई कर सकें और एक अच्छा मुकाम हासिल करें। इस अवसर पर SP क्राइम इंदु प्रभा सिंह, शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा, TP नगर चौकी प्रभारी अनूप कुमार तिवारी, उप निरीक्षक SK मिश्रा सहित राजघाट पुलिस मौजूद रही। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा, गुड मॉर्निंग।
पुलिस दल जो आजकल अपने शहर में एसएसपी साहब के निर्देश पे जगह जगह आप आती जाती हैं, वहां पे हर तरफ पुलिस की व्यवस्था कराई गई है जो एक स्वच्छ माहौल आपको पड़ेगी। हम लोग के गोरखपुर जनपद की पुलिस अधीक्षक अपराध मैम आपसे सीधा संवाद करेंगी, आपके अंदर जो क्वेश्चन होगी। दुर्गा जो माँ है उनके नौ रूपों की हम लोग पूजा करते हैं, नवमी को हम लोग कन्या भोज कराते हैं और ये हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, जिसमें हम महिलाओं को और बच्चों को सम्मानित जगह देते हैं अपने जीवन में अपने समाज में। उसी के क्रम में आज हम लोगों ने सोचा कि पुलिस की तरफ से जो हमारी बच्चियां हैं जो स्कूलों में पढ़ रही हैं उनको जो पुलिस की कार्यप्रणाली है उससे उनको अवगत कराया जाए ताकि यदि उनके साथ में कहीं भी किसी प्रकार की कोई घटना घटित होती है या किसी प्रकार का डिफिकल्टी वो फेस करती है कहीं पे, कहीं छेड़छाड़ हो रही है, कोई कमेंट कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो पुलिस को कैसे अप्रोच करें, क्या होलिस्टिक समाधान हम उनका कर सकते हैं, उसके बारे में जागरूक करने के लिए आज हमने आपके स्कूल को चुना है और आपको हमें इन्वाइट किया है। और मैं आप लोगों का धन्यवाद दूंगी जो आप लोग आ गए हैं यहाँ पे, और मुझे पूरी उम्मीद पहले हम लोग एक बार राउंड ले लें, आपको पूरी दिखाने का राउंड दिलाएंगे, हर एक सेक्शन कैसे काम करता है उसके बारे में आपको जानकारी देंगे, क्योंकि उसके बाद ही मुझे लगता है कि आप कुछ क्वेश्चंस पुटअप करने के कंडीशन में होंगे या पहले आप करना चाहेंगे जब भी कभी किसी के साथ कोई घटना होती है तो सबसे पहले थाना कार्यालय में कि साहब हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो गई, हमारा ये मुकदमा या हमारी ये शिकायत दर्ज कर ली जाए, तो एक तो ये थाना कार्यालय हो गया, आपकी शिकायत तुरंत यहाँ कंप्यूटर पे दर्ज होगी। दूसरी चीज कि जिला जनपद राइटिंग भी आप अगर आप मुझसे बोल के, जैसे मैं अभी आपसे बात करूँ मौखिक पुस्तक बोलते हैं ओरल, अगर आप ओरली नहीं यहाँ बताएंगे तो भी आपका शिकायत यहाँ पे दर्ज की जाएगी, ठीक है। पूरे जनपद में जैसे चौरी चौरा में कोई घटना हो गई या बड़हलगंज में कोई घटना हो गई या कोई बात हो गई तो कैसे एक दूसरे से वार्ता होती है, तो ये है वायरलेस सेट, ये वायरलेस सेट है कम्युनिकेशन प्लान के अंतर्गत, ये पूरे जनपद में एक दूसरे से एक कंट्रोल रूम बना हुआ है वहाँ पे, और वहाँ से सबको सूचनाएं आती रहती हैं कि आप अपने थाने पे कोई चौराहे पे प्रॉब्लम है तो इसको देखें, यहाँ पे कोई दूसरी जगह प्रॉब्लम है तो ये, जिससे सारी सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। समझ में आइए क्या है ये, क्या है ये, इसमें जैसे इसमें ये है ना, जैसे मैं जो हमारा कंट्रोल रूम होता है, ठीक है, जो शहर का क्षेत्र है उसके लिए सिटी कंट्रोल रूम है और जो देहात के क्षेत्र है उनके लिए डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम है, ठीक है। तो जो कंट्रोल रूम होता है वहाँ से सारे थाने कनेक्ट होते हैं, ठीक है, सीसीआर का सिटी कंट्रोल रूम का चैनल नंबर 2 है, उस पर ये सेट होते हैं सारे सेट। मैं यहाँ से अगर पूरे डिस्ट्रिक्ट को मैसेज देना चाहती हूँ तो मैं कंट्रोल रूम को कॉल करूँगी, उसको बताऊँगी एंड फिर वो मैसेज को रिले करेगा, ठीक है, मतलब दूसरे थानों को सीटों करके सभी को बताएगा, ठीक है, ये सबको पता चल जाता है इस सेट के जरिए। सिमिलरली अगर किसी सीनियर अधिकारी का कोई इंस्ट्रक्शंस है जो कि सभी थानों को जानकारी होनी चाहिए तो उसको हम लोग सीसीआर या डीसीआर सिटी कंट्रोल रूम या डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम को भेजते हैं। जैसे मुझे अगर पूरे जनपद में कोई मैसेज रिले करना है तो मैं उनको भेजूँगी आरटी मैसेज बना करके और वो फिर वहाँ से पूरे जनपद को बताते हैं। इस तरह से पूरा जनपद इस सेट्स के जरिए एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है, हर निर्देश की जानकारी नोट किया गया, नोट किया गया, ठीक है। अभी आप जो भी इस पूरे थाना क्षेत्र में जो कुछ भी होता है उसको हम लोग एक डॉक्यूमेंट होता है उसको रखते हैं जनरल डायरी अंतर्गत, सभी लोग इसमें समाहित हैं, कोई भी इससे अलग नहीं जा सकता, जब भी हमको कहीं जाना होगा ईडी में ईडी में आमद होगा। ये एक तरीका है कि हमारी फोर्स को कंट्रोल करने का, उनकी मूवमेंट, ये नहीं कि मतलब हमें पता नहीं हो कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं घूम रहे हैं और कोई कताई काम नहीं कर रहे हैं, ये एक तरीका है जिससे हम अपने पूरे फोर्स, ठीक है, जैसे आपके यहाँ अटेंडेंस होती है रजिस्टर होता है ऐसे ही हमारे यहाँ आप जी भी मान लें, ठीक है। इस पूरे थाना क्षेत्र में कहीं पर भी कोई भी इंसिडेंट होगा सब इसमें आएगा और फिर उस इंसिडेंट पर कौन गया है वो भी इसमें, एंड अब ये जो हेड कॉन्स्टेबल कॉन्स्टेबल ऐसा ही है दिन और रात में, ठीक है, देखो मंथ्स हैं और दिन और रात दोनों में इनकी चेकिंग की जाती है,
अभी देखिए सबका जिसने जो अपराध किया है उसका अपराध इस पे दर्ज है। क्षेत्र में जो भी अपराध उस क्षेत्र में उस गांव में उस मोहल्ले में जो भी अपराध हुआ ये हमारा इन्वेस्टिगेशन हुआ है। हाँ बैट इन्वेस्टिगेशन ऑफिस मतलब जैसे कोई घटना घटित हुई उसका FIR वहाँ पे पंजीकृत हुआ FIR लॉज हुई वहाँ से उसके बाद वो FIR किसी जो हमारे यहाँ का स्टाफ है SI से किसी SI को वो विवेचना इन्वेस्टिगेशन आवंटित किया। अभी जो भी आता है इसमें इसमें नोटा होता है और स्पेशली महिलाओं के लिए भी होता है यहाँ पे महिला हेड डेस्क ये स्पेशली बस महिलाओं के लिए है। जो भी महिला आती है जो भी उनके प्रॉब्लम होते हैं पता है जो भी लिखा जाता है जिसने आपके साथ जो भी चीज़ें किया है उस चीज़ का भी यहाँ पे पूरा ब्यौरा लिखा जाता है। आपके मोबाइल डिटेल्स लिए जाते हैं और जो आप उच्च अधिकारियों को बताया जाता है कि इतनी कार्रवाई कीजिए। लेकिन दो तरीके से कंप्लेंट है एक कंप्लेंट जो FIR में लगी हुआ है मतलब जिसमें FIR दर्ज होगा कौन से क्लास के बच्चे हैं मैम? 10th के सभी 10th के एग्जाम अब ये नया वाला इस पुलिस अधीक्षक सर गोरखपुर का आगमन हुआ है और वो आपसे सीधा संवाद करेंगे नारी सशक्तिकरण के क्रम में और कोई ना है उतना ही बोलिए कोई दिक्कत नहीं है यहीं से बोलने शुरू होती है और कोई आपने वो चीज नहीं बताई जो पुलिस के पास ठीक है आतंक को ले जाके हवाला दिखाओ अंदर से दिखा रहा अंदर खड़े करके अंदर खड़ा करके गेट रील होता है और घर में जाके अपने पापा और अपने भैया को भी बताना कि वो भी कोई गलत ना करे। अंदर हो जाइए सब लोग अंदर हो जाइए पूरा आ जाइए बाकी लोग आपको बस एक फोन करना है अब आप सोचो फोन में कितनी सरकार का कितना पैसा लगा है सरकार मतलब हमारा ही है हमने टैक्स दिया है वो फोन ये वहाँ किए फिर वहाँ बहुत बड़ा सिस्टम लगा है उस पर लोग बैठे हैं जिनको सैलरी मिल रही है फिर वो इनको कॉल किए इनके पास गाड़ी है आज 20 लाख की इसमें 5 पुलिस वाले हैं जो जिनको सैलरी मिल रही है कई हमने इनको फैसिलिटीज दे रखी है वेपन्स दे रखे हैं टैबलेट दिए हैं मोबाइल दिए हैं उसका एक्सपेंस है फिर यहाँ आने का जाने का अगर ये कहती है कि सर मेरा कोई पर्स छीन के लड़का इस तरफ भागा है तो ये पीछे जाते उसको ढूंढने के लिए वो तुरंत सेट पे भी बताते जैसे हमारा ये सेट मैंने बोला था वैसे सेट पे बताते कि इस तरफ दो लड़के हैं मोटरसाइकिल पे लाल रंग का शर्ट पहने हैं जल्दी से नाकाबंदी करवाइए एक लड़की का बैग लेके भागे वो लोग नहीं खड़ी होगी तो नहीं पहनेंगे तो ये तो बदमाशी है वो गलत कर रहे हैं ना तो उनको क्या लगता है फिर मन में डर लगता है और फिर वो क्या करते हैं डर में आपके लिए है कि इसमें लिखें और अपने भविष्य को संवारें ये आपका भविष्य संवारे सबका फोटो आ रहा है आ रहा कोई टेंशन में नहीं रहते थे फोटो में ऐसा ना हो पुलिस स्टेशन में खड़े रहते आप मैडम थोड़ा पूछो बताओ आगे आए दो बच्चे मैडम के आगे आ जाओ
कहाँ पे आपने? आर्मी पब्लिक स्कूल कूड़ाघाट। यहाँ पे आकर आपको हमने जेल विजिट किया, क्या क्या देखा आपने? जेल में हम लोग यही देखे कि मतलब एक जेल में एक ही लोग ले सकते हैं, और पुरुष जेल है और एक महिला जेल है। और यहाँ पे हमें बहुत सारे चीज़ों के बारे में बताया गया है कि जैसे कि CCTNS क्या होता है, वायरलेस सेट क्या होता है, फ्लाई शीट क्या होती है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम होगी तो हम कैसे उस प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं अपनी प्रॉब्लम लेके, कैसे FIR लिखवा सकते हैं। और बहुत अच्छे मतलब से हमें यहाँ ट्रीट किया गया है, पानी पिलाया गया है, कुछ खिलाया भी गया है। और यहाँ पे मतलब सर एस के मिश्रा सर हैं जिन्होंने हमें बहुत कुछ फ्लाई शीट कंट्रोल वायरलेस सेट के बारे में बताया कि कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं एक थाने को दूसरे थाने के बारे में। और हमारा एक्सपीरियंस यहाँ बहुत अच्छा था। महिलाओं की सुरक्षा के बारे में कुछ नंबर बताया गया? हाँ, हमें यहाँ बताया गया 1090 पे हम कॉल कर सकते हैं कि जिसपे कि हमारी आइडेंटिटी रिवील नहीं होगी। अगर हमें ऐसी मतलब कोई FIR करानी है, कुछ बताना है, तो हम इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं जिससे कि हमारी आइडेंटिटी रिवील नहीं होगी और हमारी FIR भी दर्ज हो जाएगी। थाने पे आज कैसा लगा? थाने का बहुत अच्छा था। यहाँ के बहुत लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छे से ट्रीट किया गया और सब एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। अस्मिता वर्मा, यहाँ पे बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है और हमने विजिट किया, हमें कई चीज़ों के बारे जानकारी भी मिली और जो पहले नहीं थी, इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। अवेयरनेस क्रिएट हुई है और हमें बताया गया है कि हमें हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हमें क्या क्या उसके ऊपर फिर उसके बाद करना चाहिए, और यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला है हमें। यहाँ पे क्या जानकारी आपको? हमें काफ़ी चीज़ों की जानकारी मिली कि मेन ऑफिस में FIR दर्ज करवाया जाता है, फ्लाई शीट क्या होती है, फिर हिस्ट्री शीट क्रिमिनल कौन होता है, फिर हमें CCTNC के बारे में भी बताया गया, और हमें वेपन्स दिखाए गए और हमें लॉकर रूम भी दिखाया गया, और भी हमें बताया गया कि 112 पे हम लोग कॉल कर सकते हैं अगर हमारे साथ कुछ गलत हो, हमें उसको कैसे बताना है कि हम लोग अभी कहाँ पर हैं और हमारे साथ क्या हुआ है। वहाँ पे अभी तो कोई नहीं था, हम लोग जब गए और वहाँ पे ही रखा जाता है, जब कोई पुलिस किसी क्रिमिनल को ढूंढती है तो सबसे पहले मतलब उसके बाद उस पर FIR दर्ज होकर जो भी नतीजा आता है उसके बाद उसको उधर ही लेकर जाता है। उनको मैं थैंक यू कहना चाहूँगी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, हमें काफ़ी चीज़ें बताई उन्होंने और काफ़ी अच्छे से ट्रीट किया। यहाँ पे बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है और हमें बताया गया है कि हम लोग कैसे अपनी सेफ्टी के लिए ध्यान रख सकते हैं। मुख्यमंत्री जी लगातार महिला सशक्तिकरण के लिए कैसा उनका कार्य? उनका कार्य बहुत अच्छा है, अब हम लोग काफ़ी सेफ महसूस करते हैं जब हम लोग बाहर निकलते हैं। पहले ऐसे हर जगह डर लगता था कि कौन पीछे से आगे क्या कर जाए, पर अब ऐसा नहीं, अब हर जगह पुलिस रहने लगी है और वो हमारे सेफ्टी के लिए बहुत ध्यान दे रही है और हमें अवेयर भी कर रही है। जी, आज महिला शक्ति अभियान के तहत चैत्र नवरात्र के इस पर्व पर हमने ये महिला शक्ति अभियान के तहत ये आयोजन किया है, जिसमें कि आर्मी पब्लिक स्कूल की जो गर्ल्स हैं वो हमारे आज राजघाट थाने के भ्रमण पर आई और यहाँ पर उन्हें पूरे थाने के बारे में जानकारी दी गई, पुलिस की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी दी गई, क्या क्या सुविधाएं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उन्हें उपलब्ध करवाई जा रही हैं, यूपी पुलिस की क्या क्या सेवाएं हैं जो वो ले सकती हैं और किस प्रकार से अपराध नियंत्रण में कानून व्यवस्था में वो सहयोग कर सकती हैं, इस बारे में उन्हें बताया गया और बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स रहा। बच्चियाँ बड़ी कॉन्फिडेंट थी और बड़ी खुश थी और पुलिस बल को भी अच्छा लगा बच्चियों से मिलकर, और जो इससे अच्छा माहौल तैयार हुआ है उसको हम लगातार आगे जारी रखेंगे और समय समय पर ऐसे अभियान चलाते रहेंगे। हमारी जो महिला सुरक्षा दल का ये एक इनिशिएटिव है,
इसको हम आगे बढ़ाएंगे। एसपी क्राइम इंदु प्रभा जी और सीडब्ल्यूसी चेयरपर्सन वंदना जी, इनके नेतृत्व में ये अभियान चल रहा है हमारा, जो कि लगातार जारी रहेगा। स्कूली बालिकाओं को हमने जो जो यूपी 112 की सेवाएं हैं, 1090 की सेवा है, 10706 साइबर सिक्योरिटी की सेवा है, इसके अलावा पॉक्सो एक्ट और अन्य जो कानून के नियमावली हैं उनके अंतर्गत क्या क्या कार्यवाही हो सकती है, सीडब्ल्यूसी की क्या कार्यवाही होती है, किस प्रकार से पुलिस कार्यप्रणाली है, ये सब जानकारी दी गई, जिससे कि उनको पुलिस का भय ख़त्म हो और उनको पता चले कि पुलिस एक सहयोगी की भूमिका में है, उनके मित्र की भूमिका में है, ताकि वो संकोच के बिना पुलिस की मदद ले सकें और आगे भविष्य में ये पढ़ लिख कर देश के विकास में अपना पूर्णतः योगदान दें, बिना किसी डर के, बिना भेदभाव के अपने आप को सशक्त महसूस करके ये समाज में एक एक्टिव भागीदारी करें, इसके लिए ये आज कार्यक्रम बनाया गया। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। चार दशक बाद सत्ताधारी दल को मिलेगा विधान परिषद में प्रचंड बहुमत। विधान परिषद चुनाव के लिए बतौर गोरखपुर नगर विधायक सीएम योगी ने मतदान करने के बाद कहा, विधान परिषद में विकास व लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को अवरुद्ध करती थी सपा। विधान परिषद की 36 में से 9 सीटों पर बीजेपी निर्विरोध से 27 में से भी अधिकांश सीटों पर हासिल होगी जीत। विधान परिषद में भी प्रचंड बहुमत लोक कल्याण, महिलाओं, गरीबों, किसानों व श्रमिकों के हित में और बेहतर कार्य करने में सक्षम होगी सरकार। गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव ड्यूटी में लगी पोलिंग पार्टियां मतदान करने के बाद बैलेट बॉक्स को स्ट्रांग रूम में किया जमा। एआरओ ने कहा, स्थानीय प्राधिकरण का चुनाव सकुशल हुआ संपन्न, 98.9% हुआ मतदान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव के लिए नगर निगम में बनाए गए बूथ पर पहुंचकर किया मतदान। कहा, प्रदेश में सभी सीटों पर जीत रही है भाजपा, 9 सीटों के प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध जीत चुके हैं चुनाव। भारत सेवा श्रम संघ के वासंतिक नवरात्र पूजा कार्यक्रम में सम्मिलित हुए सीएम योगी। कहा, हिंदू धर्म की सेवा पथ पर अग्रसर है भारत सेवा श्रम संघ। गोरखनाथ मंदिर से भारत सेवा श्रम का जुड़ाव है बहुत पुराना। गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव के प्रत्याशी सीपी चंद ने कहा, गोरखपुर सहित सभी सीटों पर चुनाव जीत रही है भाजपा। वहीं सपा प्रत्याशी रजनीश यादव ने भी किया दावा। कहा, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नीतियों से प्रभावित होकर सभी मतदाता सपा के पक्ष में कर रहे हैं मतदान। दोनों प्रत्याशियों ने अपने अपने जीत का किया दावा। गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के लिए बनाए गए बूथों पर कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ मतदान। एसएसपी ने कहा, भ्रमणशील रहकर सभी बूथों का लिया गया है जायजा, शांतिपूर्वक संपन्न होगा मतदान। खेतों में स्टीपर मशीन से भूसा बनाने पर लगे प्रतिबंध को जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने तत्काल प्रभाव से हटाया। किसानों से किया अपील। कहा, खेतों में भूसा बनाते समय स्टीपर मशीन का प्रयोग करते हुए बरते सावधानी, ताकि आग लगने से ना हो सके जान माल का नुकसान। गोरखनाथ मंदिर में वासंतिक नवरात्र के अष्टमी में मां महागौरी की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया आराधना, पूजा और हवन कर की लोक मंगल की कामना। रविवार को सुबह 11 बजे देवी स्वरूपा कन्याओं का पाव पखार कर करेंगे उनका पूजन और कराएंगे उन्हें भोजन। जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह ने गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण चुनाव के लिए नगर निगम बूथ पर किया मतदान। कहा, प्रदेश सरकार कर रही है अच्छा कार्य, प्रभावित होकर सभी मतदाता भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में कर रहे हैं मतदान। सभी सीटों पर चुनाव जीतेगी भाजपा। गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव के लिए ग्रामीण विधायक विपिन सिंह सहित नगर निगम की महिला पार्षदों ने निगम के सदन हॉल में बनाए गए बूथ पर पहुंचकर किया मतदान। कहा, सभी मतदाता सीएम योगी के नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में कर रहे हैं मतदान। प्रदेश के सभी सीटों पर चुनाव जीतेगी भाजपा।
प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने एमएलसी चुनाव में किया मतदान। कहा, प्रदेश में सभी सीटों पर जीत रही है भाजपा। मुख्यमंत्री योगी व प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों से सभी मतदाता हैं प्रभावित। कर रहे हैं भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान। सदर सांसद रवि किशन व राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद ने गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव के लिए नगर निगम के सदन हॉल में बनाए गए बूथ पर पहुंचकर किया मतदान। कहा, प्रदेश के सभी 27 सीटों पर चुनाव जीत रही है भाजपा। 9 प्रत्याशी पहले ही चुने गए हैं निर्विरोध। महापौर सीताराम जायसवाल सहित नगर निगम के पार्षदों ने गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव के लिए किया मतदान। कहा, भाजपा प्रत्याशी भारी मतों से जीतेंगे चुनाव। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि विधान परिषद के चुनाव में गोरखपुर क्षेत्र की सभी 5 सीटें जीत रही है भाजपा। प्रदेश में 9 सीट पर पहले ही निर्विरोध हो चुका है जीत। 27 सीटों के लिए हुआ है मतदान। और मिशन शक्ति अभियान के तहत राजघाट थाने पहुंचे आर्मी पब्लिक स्कूल की छात्राएं। छात्राओं को थाने में घुमाकर बताया गया महिला अपराधों में किस तरह कार्रवाई करती है पुलिस। एसएसपी ने वुमेन हेल्पलाइन नंबर व डायल 112 के बारे में दी जानकारी। राम तो घर घर में है, राम हर आंगन में है, मन से रावण जो निकले राम उसके मन में है। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।